साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार, दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार, दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज नए अवसर गंवा रहा है। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबर वेतन का लाभ नहीं मिलता। भर्तियों की लिस्ट पहले तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उस पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगाकर ही भेजा जाता है। दीदी ने यहां तय कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो कटमनी देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो कटमनी देनी होगी। यहां तक कि किसी को अंतिम संस्कार भी कराना है तो भी कटमनी देनी होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में क्या बंगाल में निवेश बढ़ सकता है? ऐसे माहौल में बिजनेस का माहौल कैसे बनेगा? ऐसे माहौल में नौजवानों से सपने कैसे पूरे होंगे? यहां जो उद्योग बीते 10 साल में फला फूला है वो है वसूली उद्योग, तोलाबाजी उद्योग, तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग। दीदी ने गरीब से शहद और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया।